நான் சில சமயம் சிந்திக்கிறேன், இந்த சிகரெட் அல்லது பீடி எனக்கு எந்த சேதத்தை விளைவிக்கும்? இதுவே எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வரவழைத்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாரமாக்குமோ? இல்லை இது நுரையீரலில் கேன்சர் வர காரணமாகுமோ? இல்லை இது வாயில் கேன்சர் அல்லது இருதய நோய் அல்லது எம்ஃபிசிமாவை வரவழைக்குமோ? அடுத்த முறை நீங்கள் சிகரெட் அல்லது பீடியை புகைக்க நினைத்தால் இதனை புகைப்பதனால் என்னவாகும் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். புகைப்பிடிப்பதை இன்றே நிறுத்துங்கள். உதவிக்கு அழைக்கவும் 1800-11-2356 அல்லது 0311-22-9701 மிஸ் கால் கொடுக்கவும். ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. பி சேஃப், டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ். பாதுகாப்பாக இருப்பீர், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். इसे समझा रहा है, स्टैचू गायब हो गई, ऐसा गांव वालों को पता चला तो घेराव कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो नहीं समझेगा, जो बोल रहा हूँ वही कर। ठीक है सर। चल। इसको मेरी दया दिखा। साला तहखाने में लाके रख दिया है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। दिखा दिखा कर रहे हैं, क्या दिखाऊं? ए, देख रहे हैं?
समय दरवाजा मत खटखटाया करो, कितनी बार कहा है? आपने कहा था ना उसका वीडियो बनाएंगे, आप नहीं आए इसलिए वो नाराज होकर बाहर बैठा है। अब जाकर देखो भी वो क्या कर रहा है। बार बार सब लोग मुझे ही ताने मारते हैं, एक दिन बता दूंगा मैं कौन हूँ। ये सर कहाँ चले गए, पता नहीं आज क्या सुनने को मिलेगा।
ओह सर, आप यहाँ बैठे हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। आए लेट है, ऊपर से बहाने बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सर बोल के बटरिंग कर रहे हैं। लेट हो गया, माफ कर दो ना। अच्छा कैमरा उठाओ, बताओ आज क्या करना है। गार्डनिंग। गार्डनिंग, वो भी इतनी धूप में? आज बाथरूम टूर करते हैं, वही ट्रेंडिंग है। बाथरूम टूर? हाँ, ये देखो कितनी अच्छी तरह धो रहे हैं। अब जरा कमेंट सेक्शन भी देख लो, कितनी गालियां और गंदा लिख रहे हैं। एक्शन सर। हमने 2 महीने पानी डालकर इस गाजर को उगाया है फ्रेंड। कट 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 सर, ऐसा लग रहा है अभी दुकान से लेकर आए हो, रियल लग ही नहीं रहा। जो 96 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत है। तो भी ईमानदारी से तो होना चाहिए, थोड़ा तो रियल लगना चाहिए ना। वो कैसे? सुपर, अब कितना रियल लग रहा है। ये रियल है क्या? अच्छा हुआ बाथरूम टूर नहीं किया, वरना आप मुझे नंगा दिखाते। सॉरी, ओके, टेक। ये क्या हो गया? चाकू रखते समय कट गया, थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। अबे उसे छोड़, इसे दे। आके गाड़ी में बैठ। क्या हुआ मुत्तू? मेरा फ्रेंड है, कुछ बात करने आया है। फ्रेंड है? दिखने में तो मवाली लग रहा है। अरे तो बड़ों को ऐसे नहीं बोलते, सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी पूरी छोड़, तू आ रहा है या तेरे पोते को उठाऊं? आता हूं ना। मेरे कॉफी बोल कर आने तक आप खोपड़ी रगड़ोगे? ए, इधर आ। पुलिस है, इज्जत से बात कर, जा कॉफी लेके आ, भाग। थप्पड़ भी खाओ और कॉफी भी पिलाओ। इज्जत जितनी चाहिए मैं दे दूंगा, बस आप जो कल मूर्ति पकड़ी वो वापस दे दो। तमिलनाडु से त्रिवेंद्रम, मुंबई, सिंगापुर और वहां से लॉस एंजलिस पहुंचेगी वो मूर्ति। 5 साल फॉलो करने के बाद पकड़ी है, तेरे बोलते ही ऐसे ही वापस नहीं कर दूंगा। तुम सबको एक साथ पकड़ना है। देख लिया ना सर, इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क लगा है। क्यों सर बेकार लफड़े में पड़ रहे हो? पूछताछ के वक्त अगर सच बोला तो छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरे आदमियों के सामने मार के चट्टी में ले जाऊंगा। क्या रे, ये तो डरा रहा है। मणि, एसीपी को डराने के लिए कुछ बोले? मूर्ति ला के यहाँ दे दे और तेरे बाप को ले जाओ। पापा को? तुमने उन्हें उठा लिया? बिल्ली छोड़ के शेर की पूंछ पकड़ते सुना था, पर तुमने तो डायनासोर की पूंछ पकड़ ली। डायनासोर का कटा हुआ हाथ देखना है क्या? हाथ काट के लाने को बोलता हूं, अभी रुक। मदन, उस डायनासोर का हाथ काट के एक फोटो भेज। मदन लेटा हुआ है, उठने में 1 घंटा लगेगा। तो तेल को फोन दे। तेल का तेल निकल चुका है, वो 2 घंटे बाद उठेगा। तू कौन बोल रहा है? मैं डायनासोर बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुन, बाप ऐसा आदमी है ये बेटे को पता नहीं है। पता चलेगा तो डर जाएगा। चुपचाप बगल वाले कमरे में आके बात कर। सर, चोर पुलिस आपस में बात कर लो, अच्छा है। ये फैमिली बीच में क्यों ला रहे हो? अननेसेसरी है। अब देखो ना, बेवजह मुझे 4 बेगुनाहों की धुलाई करनी पड़ी।
और अब पापा डर गए हैं, ऐसा मेरे बेटे को बोल जा। ओके सर। तेरे लिए ये सब तेरे लिए। क्या पापा ऐसे आदमी हैं, बेटे को मत बताना, यही बोला ना? मालूम पड़ा तो बेटा डर जाएगा, यही कहा ना? सर एक मिनट, मालिश का झुंझुना नीचे गिर गया, जाली किया। तूने पापा को उठाया लेकिन उन्होंने तुझे छोड़ दिया। अगर उन्हें पता चला कि तूने मुझे धमकी दी है तो तेरे 52 टुकड़े करके तुझे ताश की तरह फैला देंगे। फिर ताश के सारे पत्तों की जब गट्टी बनेगी ना, तब पता चलेगा कि वो तू है। अगर तू ताश के पत्तों की तरह बिखरना नहीं चाहता तो मुझसे डील कर ले, वही तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुझे अपनी हड्डियों से प्यार है तो बता दे तेरे ऊपर कौन है। क्या सर, इतने आसानी से बता दूं? नहीं बताएगा तो हड्डियां कीर्तन करेंगी। जयंत सर। कहो कनक लक्ष्मी, कैसी हो तुम? अभी तक तो ठीक हूँ सर। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बताऊँ सर, आपके बेटे सारे प्रॉब्लम मेरे सर पे डाल के चले जाते हैं। उनकी ऐसी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है, और वो किसी चीज से नहीं डरते। किसी चूहे को पकड़ने के चक्कर में कोई भूत पीछे ना लग जाए। उन्हें थोड़ा एडजस्ट करने को बोलो ना सर। मैंने बोला है ये मत बताना। बेटा सीधा साधा नहीं है, ये कंप्लेन करोगी तो ठीक है, लेकिन वो सीधा साधा है ये कंप्लेन करोगी तो बात सोचने वाली होगी। ठीक है, तुम्हारी हालत समझता हूँ, अब तुम जाओ, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। चलो। सब ठीक है ना पापा, कोई प्रॉब्लम? हाँ सब ठीक है, बिरयानी दी थी बहुत अच्छे से खाई। वो सब छोड़ो, तुम अभी जो डील कर रहे हो वो कोई बहुत बड़ा मामला है क्या? उस मामले में गहरे मत उतरो, जरा फ्री छोड़ दो, क्योंकि अपना परिवार है, बेकार में उलझना ठीक नहीं। ऐसा ही माँ ने आपको कितनी बार कहा था, क्या आपने सुना नहीं ना? आपका ही खून है मेरे अंदर, तो मैं कैसे मान जाऊंगा? भूख लग गई, चलिए खाना खाते हैं। सर उस काउंसलर गिरी के खिलाफ कंप्लेंट आई थी, एफआईआर लिखी या नहीं? नहीं सर, काउंसलर के ऊपर। काउंसलर है तो क्या हुआ, उसके लिए कानून अलग नहीं है, ये लास्ट वार्निंग है। सॉरी सर। फॉरन एफआईआर लिखो। ओके सर। इज्जत मिलती है, पढ़ाई करने वालों को नहीं, रिटायर हुए उनको भी नहीं। ठीक है तो मैं क्या करूं? जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। नई सुपर पॉलिश करो ना सर।
नहीं रहता तो यही करना पड़ता है। तेरे पापा तेरी उम्र के थे, उनका दांत टूट गया था और बोला कि जिस जगह से दांत टूटा है अगर उस जगह नया दांत नहीं आया तो यही दांत वापस लगा लूंगा। तब से लेकर आज तक मैंने इसे पेंडेंट में संभाल कर रखा है। तेज 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 मुत्तू, आप एक्सेलेरेटर की जगह ब्रेक दबा रहे हो। ऐसा क्या? अब देखना। ले, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एग लिखा। हेलो, चुकंदर नहीं मिली, गाजर मिली है। गाजर के हलवे पे वीडियो बनाए? गाजर का हलवा नहीं बनाना आता, चुकंदर ही लेके आना। सिर्फ कलर का ही तो फर्क है सर, ऑडियंस नहीं जान पाएगी। ज्यादा मत बोलो, जल्दी आओ। अब उड़ के थोड़ी आ सकता हूँ, आ रहा हूँ। अब तक 120 बार ठोकने आ चुका हूँ पर एक बार भी नहीं ठोका। डरने की क्या जरूरत है? अगर 121वीं बार में ठोक दिया तो ठुकने से अच्छा है टमाटर उठाकर घर जाना। तू ऐसे ही सोचते रहना, एक दिन ब्रेक नहीं मारूंगा, ठोक के 5000 का फाइन भर के चला जाऊंगा। सर, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने से मना कर दिया तो ऐसा करोगे? ये शुरू किसने किया? तुमने, इसलिए मामला बढ़ गया। उस दिन घर के बाहर गाड़ी छोड़ी तो तेरा पोता क्या बोला मालूम? घर के सामने गाड़ी खड़ी मत कर, गाड़ी खड़ी करनी है तो खुद का घर बनाओ और गाड़ी खड़ी कर। इधर देख चश्मीश, खुद का घर बना पाता तो टैक्सी क्यों चलाता? सर, उसकी इस बात के लिए 100 बार तो सॉरी बोल चुका हूँ। अपने पास सॉरी नहीं चलती, सीधे सजा मिलती है, टोकरी पर कर। अरे माली की बात याद है, चवन के धूल में खिले फूल, नीचे गिरा तो क्या, उठा खा ले मत कर भूल, सब्जी समेट लेना अपने घर। सर, हाँ जरा एसीपी को फोन देना। सर, इस वक्त मैं एसीपी साहब के साथ नहीं हूँ। ओ अच्छा। हाँ सर, वो कल रात को पुलिस स्टेशन से जल्दी चले गए थे। ठीक है, बाय। अर्जुन कल रात से घर नहीं आया है, उसका फोन भी बंद है, पुलिस स्टेशन फोन करके पूछा ना। सर, एसीपी कहाँ गए कुछ पता है क्या? उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। एसीपी साहब ने मुझे तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनसे बात हो तो बताना, मैंने कॉल किया था। हाँ ओके सर, श्योर सर। ठीक है। ऐसा तो बहुत रेयर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर गायब है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या। सर, आखिर में एसीपी अर्जुन का मोबाइल सिग्नल 5 कड़ा पुल के पास मिला। उनके साथ काम करने वालों ने बताया वो बहुत दिनों से टेंशन में थे, मे बी ये सुसाइड भी हो सकता है। फैमिली में कोई टेंशन थी? ऐसा कभी नहीं हुआ सर, आपकी बात सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है सर, विल डू आवर बेस्ट, पर एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप बाहर किसी को मत बताना, यह पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन का सवाल है। सबको पता है, लेकिन
आप उसे ऐसे ढूंढो जैसे कुछ नहीं पता। अगर आप लोग पता करने जाओगे तो कोई हमारे पते पर आ जाएगा। ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ पता नहीं। ओ तेरी तो, असिस्टेंट कमिश्नर गायब हो गया। कसम से बोल रहा हूं, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ ढूंढने आता। आप दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी पता चला। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। वो आपके कब्जे में है तो उसे छोड़ दीजिए, और अगर आपको पता है वो कहाँ है तो बता दीजिए प्लीज। ये बात तो मैंने एसीपी को पहले ही बोली थी, खाली पीली इसमें मुंडी मत डालो वरना आपको ही ढूंढना पड़ जाएगा। और अब वो खो गए। ए, तुम लोगों ने कुछ किया क्या? परसों सब गायब थे, कहाँ गए थे तुम लोग? भाई मल्लिका के साथ पिक्चर गया था। झूठ बोल रहा है भाई, पक्का इसने ही कुछ किया है। मल्लिका तो मेरे साथ थी। चले क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ। चिंता मत करो सर, हम लोग ढूंढ लेंगे। इन दोनों में से उस दिन कौन मल्लिका के साथ था पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मल्लिका के साथ मेरी मीटिंग है। मीटिंग के बाद बता दूंगा। डायनासोर छोटे डायनासोर को ढूंढने आया। हाँ, आया है। मिलेगा क्या? कोई उसका सूप बनाकर पी गया होगा। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। कोई बच्चा? एक बेटा है 6 साल का। पिछले दिनों आपके हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा हुआ? नहीं। मैडम, आपने इन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग देखी? काम के बारे में कभी कुछ डिस्कस करते थे? उनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ फील हुआ? ओके, थैंक यू। नोट कर लिया। जी। सर। देखा ना सर, सुसाइड बोल के केस को कैसे बदल रहे हैं। वो सुसाइड कर ही नहीं सकते, वो छाती ठोक के ईमानदारी से घूमते थे बिना किसी से डरे। मैंने तो पहले ही एसीपी साहब को बोला था उस मामले से दूर रहो, लिंक अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही हो सकता है। आप तो अपने डिपार्टमेंट को जानते हैं सर, सब हड़प जाएंगे पर मुंह नहीं खोलेंगे। अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ सर, उस मूर्ति के पीछे जो भी गया है वो वापस जिंदा नहीं लौटा है सर। ऐसा बोलने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर, एसीपी मर गए।
बच्चा तो डर के भागेगा, आज तो खंभा गाड़ के खड़ा है, ठोक दिया होता ना तो नारियल के झाड़ पे लटका होता। मैं अभी अलग मूड में हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मूड का मूड बनाने वाले हम लोग, हम सही मूड की बात। कहाँ का मूड है? मल्लिका से मिलने का। मल्लिका से मिलना है? अच्छा, हम एक ही एरिया के लोग हैं। तू पैदल जाएगा तो मेरे पांव दुखेंगे। अंदर आजा, मैं छोड़ देता हूँ। श्योर? डर मत यार, आजा बैठ जा। मारूंगा नहीं, नहीं आएगा ना तो जरूर मारूंगा। चल ठीक है, आता हूँ अंदर। कम लगता है तो आजकल बहुत शिलाजीत खा रहा है। मल्लिका कैसी दिखती है? अच्छी है क्या? वही तो देखना है। मतलब देखा ही नहीं? क्या फेसबुक फ्रेंड है? म्यूचुअल फ्रेंड। ये क्या म्यूचुअल फ्रेंड? इस उम्र में नए झटके, आशिकी गोते खा रही है। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट कर ले। मैं भी मल्लिका का म्यूचुअल फ्रेंड बनना चाहता हूँ। माली ने कहा था ना, चबन की धूल में खिले फूल, कोई और मिल गई तो दोस्त को फौरन क्या भूल। तू भूल से भी मत जाना, अगर 5 मिनट में नहीं आया तो मैं वहां आ जाऊंगा। कसीनो भाई, किसी और की गलती के लिए वर्मा ने हमारे 3 आदमी मार डाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भी डेथ कंफर्म है। ईमानदारी दिखाने का क्या फायदा भाई, कुछ करो भाई। बोलो भाई। अरे सुन, वो जो वॉइस मैसेज तूने भेजे ना, वो सब डिलीट कर, वो सब मत भेज मुझे। सही या गलत, जब तक वर्मा के साथ ईमानदार रहेंगे तब तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैं वर्मा के लिए ईमानदार हूँ या नहीं, मैं खुद के लिए ईमानदार हूँ। फोन रख पे चल ले। मैं सबको देता हूँ फटका, ये मुझे दे रहा है झटका। कुत्ते के दिन पूरे हो गए। हत्ते क्या हुआ, मिल गया क्या छोटा डायनासोर? आपके बेस्टी का एक ही दिन बर्थडे है, तो रात के 12 बजे आप सबसे पहले किसको विश करेंगी? बेस्टी। बेस्टी को? पर क्यों? बॉयफ्रेंड्स बदलते रहते हैं पर बेस्टी नहीं बदलती। बेस्टी को सपोर्ट कर रही है, उल्टा चक्कर। मल्लिका को लाना था, ये क्या सामान उठा के ले आया? अरे कुछ नहीं, वेस्ट माल है, इसे रास्ते में कहीं फेंक देंगे। जरा डिग्गी खोलना, रात भर बाहर घूमेगा और सारा दिन घर में कौसा रहेगा। अजीब है। गाड़ी जरा लेफ्ट साइड में लगा दे। जो भी कचरा जल्दी फेंक यार। तू भी आ जा। कलयुग है, लिफ्ट दे और बोझ भी उठा। बोलता है कचरा गेंदा भर के लाया, कितना वजन है। मल्लिका दिखाने के नाम पे नाला दिखाया। हरिया माली ठीक ही कहता था, चमन के धूल में खिले फूल, बच्चे को बनाया फूल और देता है रूप। तू रुक जा, एक दिन बनाता हूँ तेरे को फिजूल।
चुकंदर की वो है क्या? नहीं, ये ब्लड है, पहुंच कर साफ कर ले। ब्लड? ऐसे घुसाया और यूं रगड़ दिया तो भग भग करके बाहर आ गया। भग भग करके बाहर आ गया? काटा क्यों? काटता तो ही मरता। मार दिया? क्यों? मैंने मेरे बेटे को प्यार और ईमानदारी सिखा कर पाला था, उसी ईमानदारी की वजह से वो मारा गया। बेटा मर गया? उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। ये सोच सोच कर तकलीफ हो रही है। बेटा था ना, मेरे बेटे को मारने वाला खुश था। कैसे? इसीलिए उसे मारने का फैसला किया, मार डाला। आपके बेटे को मार डाला, बदले में आपने उसे मार डाला? ओके, पर आप दबे मुझे क्यों उठा डाला? क्या है, तू बहुत दिनों से मुझे इरिटेट कर रहा था। तुझे एक दिन ठोकने का फैसला किया था मैंने, भगवान ने तुझे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तब भी सोचा तुझे छोड़ देता हूं। तू हरिया माली की कहावत बहुत सुनाता था, तो फैसला किया कि तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, और उसे मारकर तुझे बकरा बना दिया। तुमने मुझे बकरा बना दिया? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा। हाथ में लगे हुए ब्लड के साथ पुलिस के पास गया तो वो तुझे ही पकड़ेगी। तो हाथ धो के जाऊंगा? बिना हाथ के गया तो भी तुझे ही पकड़ेगी, क्योंकि तूने ही ये खून करने बोला। मैंने कब बोला? पर मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। सर जी, सॉरी जी। अपने पास सॉरी नहीं चलती, सीधी सजा मिलती है। तुम कुछ भी नहीं बोले, मैं बोलिए हरिया माली। एक असिस्टेंट कमिश्नर मर गया, कितनी बड़ी बात है। वो क्यों मरा, कैसे मरा, पता नहीं, 100 सवाल खड़े होंगे। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आए उससे पहले सारे जवाब रेडी रखो। कौन सी आइसक्रीम चाहिए सर? ऑरेंज बाइट चाहिए। ऑरेंज बाइट? सर ऑरेंज बाइट नहीं है, खत्म हो गई। मुत्तू ये झूठ बोल रहा है, वो आइसक्रीम ये सिर्फ अपने लड़कों को ही देता है। चाहो तो अंदर मुंडी डाल के देख लो। क्या सर? नहीं है सर, चाहो तो आप खुद देख। मैंगो है, ग्रेप है, चॉकोबार भी है, ऑरेंज बाइट खत्म हो गई सर। आइसक्रीम खा रहे हो? चूक गया, वरना सर उड़ जाता। बचा लिया ना, कितनी बार बचाएगा? 2 बार, 10 बार, 100 बार बचाएगा? ए, मैं 1000 बार मारूंगा तेरे पोते की मुंडी काट के तुझे भेजने तक मैं चैन नहीं पाऊंगा। समझ गया ना तू? मांड्या कुछ रापचिक लगा?
क्या सर, ऋत्विक ने खाना खा लिया ना? छोटा बच्चा है ना, संभाल के रखना। नहीं, वो क्या है, उस दिन जोश में आप कौन हो ये बिना जाने ही मैंने आपके आदमी को मार डाला, मुझे माफ कर देना। हमारे पर्सनल रिवेंज की वजह से मेरे फैमिली पर कोई आ जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। इस मामले को हम यही खत्म कर देते हैं। ये गलत है। स्टार्ट और स्टॉप वर्मा डिसाइड करेगा, ये तू डिसाइड नहीं करेगा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे, वर्मा के आदमी को मारा और वर्मा ने माफ कर दिया, तो मेरे साथ काम करने वाले फेड अप हो जाएंगे। लेकिन वर्मा के आदमी को मारने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये न्यूज पहुंच गई तो मेरे आदमियों को मिलेगा बूस्ट और इंडस्ट्री करेगी टॉक। असरदार है ना सर, अगर मुझे जो काम करने वो मैं अच्छे से करूंगा, तभी तो सामने वाला अपना काम अच्छे से करेगा ना। कसम से बोल रहा हूँ सर, ये मैं हॉबी के लिए नहीं करता, 100% प्रोफेशनल। मुझे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट दो। आपके पैर पड़कर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे साहब, आप समझ नहीं पा रहे हो। अब आपको समझेगा ऐसी भाषा में बताता हूँ। सबके घर में पहले दादा मरता है ना, लेकिन तेरे घर में होगा डिफरेंट। पहले जाएगा पोता, फिर पोते की माँ, फिर उस माँ की सास, और फिर उस सास का आदमी, यानी कि तू। जिस दिन तुझे मारने आऊंगा ना, उसी दिन मिलेगा तुझे अपॉइंटमेंट। अब तो समझ गया होगा ना, बाय। गर्दन से एक इंच दूर था, इज्जत के फफड़े उड़ गए यार। अबे इतने लोग अरे आज ही पिएंगे क्या? ए रिची, तुझे बोला था ना, वो यही है। बचा लिया ना इसने, तभी चौड़ा होके बैठा और हमारे सामने पी रहा है। ए क्या, पोते को बचाने की खुशी में पी रहा है? अरे तेरे को बोल रहा हूँ, गुड्डे चना चबाएगा ले। अबे साले सांस भी ले रहा है कि नहीं, बंद कर देंगे। ए, भागेगा तो छोड़ देंगे क्या? देखिए हड्डियों में जान आ गई, देख कितना फास्ट चल रहा है। अबे तू सही बोल रहे हैं। ए बुड्ढे, ए बुढ़ो, अबे तेरी पूरी फैमिली की सुपारी मुझे मिली है। तेरे पोते बीवी को तो टपका देंगे, लेकिन तेरी बहू को मारने का मन नहीं कर रहा है यार। वो राप्ते के मक्खन मलाई के मावे के, अरे वो मलाई मुझे भी देना। वो बुड्ढा गली में आके अकेला फंस गया रे। मुझे
गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ देखना चाहता था। अभी मैं गुस्से में हूँ, पर वो देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। अरे हाँ, तू कुछ बोल रहा था। तू बहुत दूर से बोल रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलना। कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोला। क्या बोला? मेरे पास बता। बोलना। मेरी बहू के बारे में बोल रहा था। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। फिर से बोलना एक बार। आंखों में मुझे कहीं डर नजर नहीं आ रहा। कैसे कह रहे हो कि इन्हें डर लग रहा है? इन्होंने ही बताया। ओ, इन्होंने ही बताया? और इस पर्टिकुलर क्लिनिक में आने के लिए किसने बताया? ये भी इन्होंने ही बताया। तो अब यही सब कुछ बताएंगे। आप दोनों बाहर जाके बैठो। क्या है, मुझे एक डाउट क्लियर करना है। बाहर कोई बड़ा क्राइम करके यहाँ आके मेंटली इल है ये सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो पहले मैं चेकअप करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अब थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या आप चक्रपाणी कौन है जानते हो? कौन है? दंडाई पाणी का बाप। दंडाई पाणी कौन है जानते हो? नहीं। सारंग पाणी का बाप। सारंग पाणी कौन है जानते हो? वो कौन है? दंड पाणी का बाप, मतलब तुम्हारा बाप। तुम्हारी सिटी में एक फैमिली है, सिटी के बाहर भी एक फैमिली है। इतने अच्छे से बता रहा हूं, क्या मैं पेशेंट लग रहा हूं? नहीं लग रहे। क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूं। तो फिर यहां क्यों आए हो? डॉक्टर, मैंने एक खून कर दिया है। हा? और पहले खून के बाद दो खून और कर दिए। ये सब फैमिली को पता चला तो वो डर जाएंगे, और अगर आप सवाल पे सवाल पूछेंगे तो आपका राज खुल जाएगा। ये डर मुझे है, इसलिए अब यहीं पर चौथा खून करना है या नहीं करना है ये आपको बताना है। वहां तक जाने की जरूरत नहीं। जब आपने मेरी दो फैमिली का पता लगा लिया, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आपकी हेल्प करूंगा। टेल मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब से मेरी फैमिली यहीं रुकेगी, मुझे कुछ काम है। काम हो जाने के बाद मैं खुद अपनी फैमिली को ले जाऊंगा। तब तक आप मुझे उनके सामने एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट कीजिए। इनको जो मेंटल इलनेस है वो एकदम अजीब है। ये एक पिक्यूलर डिजीज है। इस डिजीज के मरीज बिल्ली की तरह रहेंगे। आपको बस इन्हें दूध पिलाना है। दूध पिलाते ही ये शेर बन जाएंगे। उसके बाद बिल्ली समझ के दूध पिलाया तो लपक के आपको पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। फिर ये झट से सांप बन जाएंगे। उस वक्त अगर आपने बीन किस वक्त ये कौन सा रूप बदल लेंगे कैसे पता चलेगा? करेक्ट, इसके लिए आपको एक नई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। यही रुक कर सीखना होगा। Any doubts? चंद्र कुमार,
उस एसीबी की फैमिली इसी कार में गई है। कार कहाँ गई है पता लगा। एसीबी की मौत ही डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और अब ये नई प्रॉब्लम। हाँ हाँ भाई, हमें भी नहीं पता। पता है आपको नहीं पता, ये डिपार्टमेंट में सबको पता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता है, पता है ना? फिर भी मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? अपनी दोस्ती के लिए। हाँ हाँ पता है, अपनी दोस्ती के लिए। अब जा गाड़ी का पता लगा, चल जा। ठीक है ठीक है। से इतना झूठ बोलना पड़ रहा है कि नर्क में जाऊंगा मैं। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बोलो ना। हेलो, कहाँ हो? कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। अरे अरे अरे, मैं कहाँ हूँ? ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर आ गया, पता नहीं कहाँ हूँ। क्या कहा? कहाँ हो पता नहीं। आपके पास जो है उनको फोन दो। आसपास तो कोई नहीं है, थोड़ी दूरी पर एक आदमी है। हाँ तो उससे बात करवाओ। हाँ जरा रुको, अभी लो। हेलो। हेलो सर, वो अभी मेंटली सिक हैं। चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो इस वक्त कहाँ है बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। इज एक्चुअली चलते चलते बैंगलोर पहुँच गए हैं। क्या कहा? बैंगलोर? मुस्कुरा रहे ना। दुनिया में अपना चेहरा हमेशा हंसते हुए रखना चाहिए, तभी अगर कोई बीमारी आती है तो आते ही चली जाती है। डॉक्टर, वो ऐसे ही चलते चलते बैंगलोर पहुंच गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बात कीजिए ना। हेलो डॉक्टर, मैं एक जरूरी काम से बैंगलोर जा रहा हूँ। मेरे आने तक उन्हें संभाल लेना, ठीक है? टोटली अंडरस्टैंड ब्रो, घबराओ मत। मैंने उन्हें लॉन्ग वॉक पे जाने को बोला और उन्होंने बैंगलोर हाईवे पकड़ लिया है, इसलिए वो बैंगलोर पहुंच गए। वो जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे, यू डोंट वरी। हेलो सर, अगर आप बैंगलोर पहुंच गए हैं तो वहाँ कमर्शियल स्ट्रीट से 2 किलो रसगुल्ले लेके आना, सिर्फ मेरे लिए प्लीज। ये लो, यू रिलैक्स, यू कीप कंटिन्यू स्माइलिंग गाइस, डोंट स्टॉप, हंसते रहना, इट्स वेरी नाइस, स्माइलो थेरेपी। ऐसे बिना पूछे तू अंदर जा रहा है, बाप की जगह है। मालिक से मिलना है। मालिक को जानता है? चल निकल 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 निकल। ए तुम निकल। ए जाने को बोल रहा है तू? शेखर फैन चालू कर। उससे अनजाने में गलती हो गई, छोड़ दो उसे। ये कोई छोटी बात नहीं है, गलत किया। शेखर फैन की स्पीड बढ़ा, उसको उल्टी हो जाएगी, छोड़ दो उसे। शेखर पैन की स्पीड और बढ़ा। भाई भाई आप कुछ मत बोलो, जो काम करने के लिए वो करो और जाओ, वरना स्पीड और बढ़ जाएगी। नरसिम्हा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, सब रेडी है? रेडी है सब। नरसिम्हा, ये अरेंज करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी वजह से मैं सुधरा और कोर्ट में गुनाह कबूल किया। आपने मेरी सजा कम करवाने में मदद की, अब अच्छे और नेक काम करके अच्छा इंसान बन गया हूं मैं। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? कम विद मी सर। या चलो।
शुरू करें सर? या सर, अभी जो शूटिंग आपने देखी वो इन्होंने ही की थी। मेरे सबसे हुनरमंद और ईमानदार बॉडीगार्ड्स, वेल ट्रेंड फाइटर्स एंड स्नाइपर्स। आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं, ये है तुम्हारे मालिक। ये जो बोलेंगे बिना पूछे करोगे। ठीक है भाई। सर आइए खाना खा लो। ये चारों लंगोट में चलेंगे क्या? नहीं रे, कल दूसरा गेटअप होगा। गलती के लिए वर्मा ने हमारे तीन आदमी मार डाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भी डेथ कंफर्म है। ईमानदारी दिखाने का क्या फायदा भाई, कुछ करो भाई। वॉइस मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया, वो मुझे इनको भेजना था। हाँ, खाते समय उठते नहीं है, अच्छी तरह खाने के बाद उस कमरे में आ जाना। कसम से बोल रहा हूं सर, जो पता था सब बता दिया सर। मूर्ति जाने का रूट पता है सर, गाड़ी कौन सी है ये नहीं पता। गाड़ी नहीं पता तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हर गाड़ी के सामने मूर्ति लेके खड़े होंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकते। कौन होगा भाई? मूर्ति नीचे गिर गई भाई, मूर्ति नीचे गिर गई। खुजली कैसे करो? मूर्ति नीचे गिर गई। गाड़ी आते ही बता देना, हम सब अलर्ट हो जाएंगे। जब मैं बोलू तब रोड ब्लॉक कर देना। अरे डूब जाना मेरे बाप। भाई, 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 रुको। क्या है? मूर्ति गिर गई। ये दूध की गाड़ी है? दूध की गाड़ी है भाई, सुबह से भूखा हो, दूध वाली कॉफी पिला दो ना। तुझे सुला के दूध पिला के जाओ क्या? दूध नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए। तू जा, मैं दूसरी गाड़ी देखता हूँ। एक तो धूप, ऊपर से ये भूत। मूर्ति गिर गई भाई, मूर्ति गिर गई भाई, मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। भाई साहब, भाई साहब, मूर्ति गिर गई है भाई साहब। सब लोग अलर्ट हो जाओ, लगता है मछली फंसी है, लॉरी पीछे आ रही है। भाई क्या? किसी गाड़ी से मूर्ति गिर गई है। रघु बोलना, गाड़ी में से कोई मूर्ति नीचे गिरी है क्या? अरे मेटल कंटेनर है यार। ए, ये कन्फर्म लग रहा है। यहाँ एक आदमी है जिसके हाथ में मूर्ति है। सर, इस मूर्ति को पीछे मेरे आदमियों को दे दो। ए, सुन, वो पीछे आ रहा है, उसे गाड़ी में खींच ले।
ट्राइबल अंकल ने बोला आप तो दे दू। इसका फोटो है, उसकी फैमिली इसी हॉस्पिटल में है। कौन से कमरे में है? ये अब तक 3 खून कर चुका है, डेलाइट मर्डर, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। कितने खून किए हैं? 3 खून। और मैंने कितने खून किए हैं? डॉक्टर को छोड़ के 96। सेंचुरी में 4 कम, तो आप ही विनर हैं। यहां से उठो, राइट लेफ्ट, दूसरा कमरा, तो जो निपटाना है वो निपटा लो। क्या सर, अपनी फैमिली को 150 किलोमीटर दूर लेके जाएगा, तो तुझे क्या लगता है मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगा? तूने अपने दोस्ती की कदर नहीं की, इज्जत का कचरा कर दिया, बहुत हर्ट हो रहा है। एक्चुअली तेरे पोते का सर काट के तुझे पार्सल भेजने वाला था। लेकिन तूने मेरे को हर्ट किया ना, अभी तेरे को लाइव दिखाऊंगा। कौन सा रूम मेरे ये है ना सर, लाइव टेलीकास्ट। वर्मा अपनी मूर्ति है सामने आ। क्या हुआ, सिग्नल कट हो गया, कैमरा फ्रीज हो गया? नहीं 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 नहीं, पाव हिल रहा है, सिग्नल है। कोई परवाह नहीं है सर, सिर्फ 10 करोड़ का मामला है, मेरे पाल जितना है। अगले हफ्ते मैसूर से हैदराबाद जा रहा ना, वो भी पकड़ूंगा, और उसके बाद मदुरई से जा रहा ना, वो भी पकड़ूंगा। जा रहा है क्या? तुझे कैसे पता चला? क्या सर, मैं इतना भी पता नहीं कर सकता, ये समझ लिया क्या? तेरे मेरे बीच इतनी ही दोस्ती? मेरी बहुत इंसल्ट कर दी, मैं हर्ट हो गया हूं। तेरी मेरी दोस्ती कट। फोन आ गया। अरे क्या सर, अपन मांगोली कर लेते हैं ना, मैं आपकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मूर्ति दीजिए ना। इतनी आसानी से कैसे दे दूंगा? तू मेरी फैमिली को मारने आया, गलती की ना, उस गलती को सुधार, मेरी फैमिली से जाकर 10 रुपए का धर्मदान लेकर आ। धर्मदान? कुछ समझा नहीं। जोर दे खोपड़ी पे, समझ जाएगा। धर्मदान भीख मांगने को कहते हैं। माँ माँ, 10 दिन से खाना नहीं खाया, 10 रुपए का धर्मदान कर दो ना। ये क्या, कंपाउंड के अंदर आकर भीख मांग रहे हो? बहुत भूख लग रही है माँ, 10 रुपए दे दो ना, पुण्य मिलेगा, दे दो ना माँ, सिर्फ 10 रुपए, बहुत भूख लगी है माँ, दो ना। 10 रुपए की भीख मांग रहा है, ये पता होता तो सिक्योरिटी गेट पे ही 100 रुपए दे देता। शरीर से हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके कमा कर खाओ ना।
वो बेचारा भूखा प्यासा पैसे मांग रहा है और तुम उसकी क्लास लिए जा रही हो। उसकी सुनो माँ, ये लो अंकल जाके खाना खा लो। अरे रितवी की बस बस ठीक है। पार्टनर, ये 10 रुपए लेकर मंदिर की हुंडी में डालकर इसे माफ कर दे क्या? बेचारे ने बहुत भीख मांगी है, माफ कर देते हैं इसको। मेरे पार्टनर ने बोला है इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, जा। आज के बाद मैं आपकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप मेरे बिजनेस को डिस्टर्ब मत करना, डील है ना सर? चलता हूं। एक मिनट रुक, इस कॉम्प्रोमाइज के बाद अगर अपने लल्लू पिल्लुओं के साथ मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया ना, तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके ताश की तरह बिखेर दूंगा। वो तेरे ही शरीर के टुकड़े हैं, ये पता करने में 10 दिन लग जाएंगे। आई बात समझ में? समझ में आई। सुनो पार्टनर, इसे हरिया माली के बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली आपको ही बोलना चाहिए। तो क्या इसे भेज दूं? हाँ भेज दो सर। पार्टनर मूड में नहीं है, तुम जाओ। हाँ धोती उठा के मत चल, नीचे करके जा। क्या ऊपर नीचे उतार ही देता हूँ। जो बोला उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए ना ही कम करना चाहिए, जो बोला बस वही कर, जैसे आया था वैसे ही जा। अरे क्या वर्मा, वो अपना मजाक उड़ा रहे और तू खाली देख रहा है। दिस इज वेरी बैड आई शिवलेस। He's completely all right. जो दवाई मैंने आपको लिख के दी बस उसे फॉलो करो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है, आइंदा इस साइड कभी मत आना। नमस्कार। आप एक बार बोले तो फर्स्ट टाइम अपने को किसी ने ब्लैकमेल किया है और उसकी वजह तुम लोग हो। तुमको भी मारूंगा और उसको भी। रामदेव, मेरा एक जरूरी काम है, करेगा क्या? कल रात को ही करना है, घर में घुस के करना है। शूट नहीं करना है, काटना है, टुकड़े टुकड़े करने हैं। 10 दिन तक समेट ना पाए इतने छोटे टुकड़े। कुछ बात करनी है। सुबह बात कर लेंगे ना, मुझे नींद आ रही है। सुबह देखने के लिए शायद तुम ना बचाओ। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? दवाई चाहिए आपको? तुम्हें अगर कोई दवाई चाहिए तो लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। जो भी होगा 1 इंच लेफ्ट या राइट हिले बिना जैसे कील ठुकी रहती है एक ही जगह बैठे रहना। वो सब तो ठीक है,
पर बात क्या है ये बताओ। हमारे बेटे को एक आदमी ने मार डाला, अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो क्या करोगे? बोलो। वो मेरा बेटा था, उसे मारने वाला अगर मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ूंगी क्या? पर बात क्या है? तो क्यों नहीं मारा? उसे हम कैसे मार सकते हैं भला? मतलब आप मार नहीं सके इसलिए नहीं मारा, पर मैं मार सका इसलिए मार दिया। क्या बड़बड़ा रहे हो? हिलने को मना किया था ना, बैठो। बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही है। आ रही है। वो हमें मारने आ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो? तुमने उस दिन कहा था ना, सही कहा था, हमने उसे ईमानदारी से पाला इसलिए मारा गया। अर्जुन की मौत की मैं भी एक वजह हूं। वो सोच सोच कर मैं पागल हो रहा हूं। बेटा था इसलिए उसे जिसने मारा उसे मार डाला। उसके साथ और दो तीन को भी मार डाला। आप ऐसे डरा क्यों रहे? ये मुमकिन नहीं, ये तो अब खत्म होने के बाद ही रुकेगा।
अभी तो बस शुरुआत है। इतने दिनों तक कुछ नहीं बताया और आज ऐसे अचानक सब। तुमने कुछ पूछा? क्या पूछा? आपने आज से पहले कभी कुछ नहीं बताया और आज ऐसे अचानक से। शरीफ डॉक्टर के सामने मरीज दुनिया के सामने गुंडा मवाली ऐसे तीन चेहरे नहीं होंगे। अब सिर्फ एक ही चेहरा होगा। நினைச்சு கூட பாக்கல, எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு நல்ல கணவர், ரெண்டு அன்பான குழந்தைங்க. ஆனா புகையில எல்லாத்தையுமே மாத்திடுச்சு. இப்ப இந்த பரவக்கூடிய கேன்சர என் முகத்துல இருந்து வெட்டி எடுத்தாகணும். இப்ப எதுவுமே முன்ன மாதிரி இருக்காது. புகையில என் வாழ்க்கைய நாசமாக்கிடுச்சு. கைனி, குட்கா, புகையிலை, ஜர்தா, பான் மசாலா உங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்து விடும். ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. பி சேஃப், டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ். பாதுகாப்பாக இருப்பீர், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். கோயி எவிடன்ஸ் நீ பச்சனா சாயே, சாப் க்ளீன் கரோ. मैडम, यहाँ कितना हार्ड वर्क चालू है, एक एक कॉफी दे दो। क्या तुझे कॉफी नहीं चाहिए? तो तू फर्श घिसता रहे, कॉफी मैं पी लेता हूं। सॉलिड था, अगर बोला होता वो है तो मैं आदमी भेजता ही नहीं। ए, तू आदमी नहीं भेजता तो भी कोई दिक्कत ना है। पंजाब से सिकंदर सिंह के 100 आदमी पहुंच चुके हैं ना, अगर उसने यहाँ कदम भी रखा तो उसे काट दूंगा। काट
काटेगा ये मेरे को मालूम है, लेकिन वो काटेगा या तू ये कन्फर्म है क्या? मालूम करना है तो सिकंदर को फोन मार ले। सिकंदर सिंह को फोन लगा। तो मालूम ही था मेरे को सिकंदर उसके सामने बच्चा है, उसके पिछवाड़े इतना गूदा नहीं कि उसको मारने आदमी लोगों को भेजे। एक पुलिस वाले के बाप को देख के इतना डर? तो सिर्फ पुलिस वाले के बाप को देख रहा है, जो तूने नहीं देखा वो मैं देख चुका हूँ 15 साल पहले तिहाड़ जेल में। गंगाधर तू तो स्वीट बॉय है, झगड़ा किया क्या? तो बाल क्यों बिखरे हुए हैं? उसको देख, बाल तो ठीक हैं, लेकिन कपड़ा फटा हुआ है। बाल भी ठीक है, कपड़े भी ठीक हैं, लेकिन कान कटा हुआ है। सुपर पाल सिंह। यस सर। इन लोगों ने झगड़ा किया, 2 हफ्तों के लिए इन्हें सिर्फ 1 वक्त का खाना, 2 घंटे की नींद, वो भी खड़े खड़े और एक ही संडास। हुकुम। यस सर। सर, ये जेल के रूल्स में नहीं है। एक्सक्यूज मी, रूल्स के बारे में किसने बात की? आओ आओ सामने आओ। इतने अच्छे से रूल्स के बारे में बोल रहा है, तू रूल्स फॉलो नहीं करेगा और हम रूल्स फॉलो करेंगे। बताता यहां जो रूल्स फॉलो करता है उसके साथ हम रूल्स से चलते हैं, और जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनके लिए मेरा रूल चलता है। बाल सिंह। यस सर। इसे चिपका सकते हैं क्या? नहीं जमेगा ना? नहीं जमेगा सर। तो कुत्ते को डाल दो। अबे ओ जेलर, बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है। Who is that black sheep? तेरे पूरे परिवार की चिता एक साथ चला दूंगा। घोर क्या रहा है? राजा राव स्टेट के 30 MLA 3 MP मेरी जेब में है। मैं जो बोलूंगा वो लोग वो करेंगे, सब खाक कर देंगे। ये ले फोन, जिसको फोन करना है कर ले, बोल मेरे परिवार को जलाने के लिए, फिर मैं बताता हूं। अगर तू फोन करके नहीं बोलेगा तो तेरे ये कान नहीं रहेंगे।
लगा ले। राजा राजा हूं मैं, राजा इनका राजा, प्रजा प्रजा है ये मेरी आगे दूगा। सूरज चांद रहने तक तू ही यहाँ का राजा, किला नहीं है झंडा नहीं है तू ही यहाँ का राजा। किटी 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 हे बोर्ड लगा। फाटक पे और आधा घंटा लगेगा, पहुंचते ही फोन करता हूं। भाई ले गया। टाइगर का हुकुम था ना। पाल सिंह। यस सर। वो बॉक्स लेकर आओ। धन्यवाद सर। कभी स्टेट में कुछ काम रहेगा तो बोलना, उधर चलता है अपना थोड़ा। हाँ जरूर चलता हूं। सर सब कुछ उसको ही दोगे क्या? सर हमें भी एक मौका दो सर, उसे अभी ठोक दूं क्या? बोलो सर। जरा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, हर एक का टाइम आता है। वेट करो वेट करो। इंडिया के मवालियों ने मुझे अलग अलग तरीके से धमकियां दी हैं, इसलिए धमकियां सुनकर मैं बोर हो चुका हूं, तो उनका मजाक उड़ाने के लिए मैं बम फोड़ता हूं। ए, यहां का मैं हूं किंग और मेरे चलते हैं रूल्स, और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूं मैं, तो उन्हें चुपचाप फॉलो करो, तभी बिना टूटी हड्डियों के बाहर जा सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश भी की तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा। तेरे टुकड़े इकट्ठा करके एक करने में तेरे 30 MLAs और 3 MPs को 10 दिन लग जाएंगे। कुछ समझा क्या राजा? Kneel down! हुकुम। टाइगर का हुकुम। अभी समझा तूने किसको मारने के लिए बोला? पलट के दे, तेरा बाप आ गया ना। उसके खिलाफ कोई सर नहीं उठा सकता।
अगर वर्मा को कुछ हुआ ना। सर सर एक आखिरी मौका दो, टिक एक फोन करूंगा ना, आप खुद मेरे को छोड़ दोगे, लास्ट चांस सर, एक चांस। जिसको फोन करना है कर ले, तेरा बाप भी आ जाए तो अब तुझे नहीं बचा सकता। मेरा बाप भी आएगा तो मुझे नहीं बचा सकता, ऐसा तेरा बाप बोल रहा है, ले अपने बाप से बात कर। मैंने आपको बोला था ना सर, आप खुद मेरे को छोड़ दोगे। पापा से हो अर्जुन? पापा मैं अभी कहाँ हूँ अर्जुन? पापा इन्होंने मुझे, ये अभी तक तो जिंदा है लेकिन कहीं भी हो सकता है, मलेशिया में हो सकता है, सिंगापुर में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है और रशिया में भी हो सकता है। सोलर किक मारा, अपन सोचा नहीं इतना दम होगा, कड़क पावर है। चल अब बैठ के बात करते हैं। अबे मस्तक में बात घुसी क्या, बैठ के बात करते हैं अभी। बैठ। ए इधर आ। हाँ भाई। साहब के लिए चेयर लगा। तशरीफ रखो। बाकी होगा भागा रे। अभी लो भाई। ए चलो रे चलो। अरे हाथ को बोझ मत दो, ऊपर रखो। तुझे कैसे मार दूं? हैं? मैं तुझे मारूंगा तो तेरे आदमी मुझे मार देंगे ना, ऊपर का माला खाली नहीं है। टाइगर मुत्तुवेल पांडियन सर का एक फ्लैशबैक है, ये किसी पुलिस वाले ने नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ तेरा बेटा पुलिस वाला निकला, इसीलिए जिंदा है, सोचा कभी काम आएगा, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी बचाएगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। सब ऊपर वाले की माया है। ठीक है, ये सब भूल के मैं तुझे माफ कर देता हूं, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। तेरा बेटा तुझे लौटा दे तो तू पलट के मुझे ठोकेगा, ये बात तो मैं जानता हूं। हैं? अखे इंडिया में तेरे फुल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये भी मेरी खोपड़ी में फिट है। मेरे बेटे को छोड़ दे तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। सर सोचने का टाइम तो दो ना सर। अरे बंडिया। हाँ भाई। डांस करके सर का खोपड़ी ठंडा करो। ठीक है भाई। तुम लोग डांस कर रहे हो, वर्मा टपक गया क्या? वर्मा को तूने मारी लात, अब देख तेरी क्या है विशाल। एंजॉय डांस। सर मैं 40 साल से इसी धंधे में हूं ना, बचपन से एक ही आशा है। आशा मतलब अपुन का एक सपना है, अपने को एक चीज चाहिए, बस वही अपना टारगेट है। तो बात यह है कि अपने स्टेट में बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के भगवान को
16 सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्राउन गिफ्ट किया था, 18 सेंचुरी में भी अंग्रेज लोग उसको उठा नहीं पाए, और सर वो ना बहुत वैल्यू वाला एंटिक पीस है, और वो अपने को चाहिए, वो मेरे को लाके दो और अपने बेटे को ले जाओ। ए, मंदिर से कुछ भी उठाना बहुत बड़ा पाप है, बर्बाद हो जाओगे। क्या सर, सेंटी डायलॉग नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए क्राउन। अरे कंफ्यूज नहीं होने का सर, टाइम लेके सोच लो, आपको मिलेगा आपका बेटा, मेरे को मिलेगा मेरा माल, यही है डील। आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। बेटा जिंदा है और किसी और के कब्जे में है, ये जानकर भी मैंने उसे नहीं बचाया तो फिर मैं कैसा बाप कहलाऊंगा? सर, आप जिस क्राउन के बारे में कह रहे हैं, वो क्राउन आदिनारायण टेंपल में है। उसे चुराने की अब तक 10 गैंग्स कोशिश कर चुकी, और जिन भी गैंग्स ने ये कोशिश की है वो सभी जेल के अंदर है। इतना सेफ एंड सिक्योर्ड है वो, इट्स अ नेशनल ट्रेजर। सिर्फ उसे देखने के लिए इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा और 5 लोगों की परमिशन चाहिए। कौन है वो 5 लोग? अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, स्वामी गोपीनाथ सरस्वती और ब्लास्ट मोहन। ये 5 इस मंदिर के ऑनररी ट्रस्टीज हैं। ब्लास्ट मोहन, वो तो आधा पागल है। उसे जानते हो तुम? सिर्फ मैं ही नहीं सर, पूरी दुनिया जानती है। सिनेमा में सीरियस कॉमेडी पीस और हकीकत में कॉमेडी सीरियस पीस, बेसिकली इंस्टाग्राम इरिटेशन। Hopeless fellow. उसे कैसे ट्रस्टी बना दिया? उस फैमिली में से किसी एक को ट्रस्टी बनाना ही पड़ता है, क्योंकि उस मंदिर की जगह उस फैमिली की है जिसकी लंबी हिस्ट्री है। एक्चुअली फैमिली बोले तो बहुत बड़ी फैमिली है, लाइक अ रॉयल फैमिली, लेकिन ये आदमी सिनेमा के क्रेज में कॉमेडी करता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ब्लास्ट मोहन से डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, किस वक्त वो क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानता। धमाका करने से आवाज आती है, इसने ऐसी कंप्लेन की है। बिना धमाके के बम फटते हैं क्या रे? नहीं, इसे यहाँ के एक एक पेड़ पे बांध बांध के धोना। ओके बाबू। बाबू, इसने केस किया है कि आप एक्टिंग बंद कर दें। इसे मेरी एक्टिंग की हुई हर फिल्म 400 बार दिखाओ, वो भी 100 साल तक। इसने यूट्यूब पर हमारी फिल्म के बारे में बहुत गंदा रिव्यू दिया है। ये ले 10 लाख एडवांस, मेरी अगली पिक्चर का तू ही डायरेक्टर है, वो पिक्चर ब्लास्ट हिट होनी चाहिए। अगर उस पिक्चर को तेरी तरह किसी और ने ट्रोल किया तो तू ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हाल है सर? ए, मैंने बहुत सोचा, वो क्राउन में तुझे लाकर देता हूं, पर उसमें 3 महीने लगेंगे, तब तक मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, आपके बेटे को चींटी भी नहीं काटेगी, ये अपनी गारंटी है। आपको जितना चाहिए टाइम ले लो, लेकिन एक कंडीशन है, दिन के 24 घंटे अपने 2 आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे ये देखने कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या खा रहे हो। जेलर साहब, समझ गए? मैं वही मानूंगा जो मेरे आदमी मुझे बोलेंगे, क्या पता तुम कभी अपना तिकड़म दिमाग चला दो। सही है ना? अगर ये कंडीशन ओके तो बाकी सब ओके। हम सब एक काम से हैदराबाद जा रहे हैं, लौट कर आने तक तू मेरी फैमिली के साथ रहेगा और ये ध्यान रखेगा कि उन्हें कोई खतरा ना हो, समझ गया? ओके। अरे चाय पियो, गरम गरम बिस्कुट खाओ नरम। ए, इनकी रोज की चिक चिक फिर से चालू हो गई, इस गली में सारे बड़बड़ करते हैं। पियो गरम गरम बिस्कुट खाओ नरम नरम। लेट क्यों आया? क्योंकि भैंस ने दूध नहीं दिया। कितना हुआ? 15 रुपए, जीपे कर दे। मीटिंग एट 5 PM।
हमने 2 महीनों से फॉलो करके ये पता किया है कि ये आदमी इस मैडम के लव में है और ये मैडम इससे लव करती है। पर क्यों? इसके दिए हुए महंगे गिफ्ट को इस आदमी ने अपना बोल के गिफ्ट कर दिया, इसलिए इन दोनों के बीच में लव शुरू हो गया। ये ब्लास्ट मोहन को नहीं पता? ये बात ब्लास्ट मोहन को पता चली तो इन दोनों को ब्लास्ट कर देगा या फिर खुद को ब्लास्ट कर लेगा। डायरेक्टर गलती कर रहा है। बहुत बड़ी गलती। बोल वर्मा। ए, क्या पक रहा है उधर? ब्लास्ट मोहन कामना से प्यार करता है और कामना किसी और को प्यार करती है। कामना कौन है? किसकी कामना है? अरे वो वाली रही। पंछी बोले पिया बात सुन ले। अरे चुप कर, कबीर को फोन दे। गाली बिना चैन नहीं मिलता ना। दे। वर्मा बोल। वर्मा ये क्या पक रहा है? 1 मिनट। क्या बोला तू? पंछी बोले पिया बात सुन ले जरा। पागल वर्मा, प्यास बढ़ती रहे। उसकी खबर लेने गए हो या आइटम सॉन्ग देखने? यहाँ फिल्म वालों को दिखा गया, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग। यहाँ हमारा सर भरना रहा है और तू बीच बीच में फोन करके सर चाट रहा है। अब तू फोन मत करना, कुछ बात होगी तो मैं फोन करता हूँ। ये तीनों हमें कहाँ मिल सकते हैं? कल सुबह 9 बजे रामोजी राव स्टूडियो में सॉन्ग शूटिंग है, वहां मिलेंगे। खरीदते समय मैंने इसकी प्राइस नहीं देखी, बस ये सोचा कि उसकी उंगली में कैसी दिखेगी। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों? कितने का है? खरीदते समय मैंने इसकी कीमत नहीं देखी, बस ये देखी कि तुम्हारे हाथ में कैसी लगेगी। कैन आई? देखो तुम्हारे हाथ के लिए ही बनी है, तुझे दुकान में कैसे छोड़ देते, इसलिए खरीद ली। मुझे क्या चाहिए नहीं पूछोगी? क्या चाहिए? तुम्हारे लिए पाप। ए, 1.5 करोड़ की अंगूठी के बदले 1.5 रुपए का लिप बाम लेकर आया? ए, ये प्राइसलेस है रे। उस लिप से इस लिप तक, लिप टू लिप, काट के खा जाऊंगा। कब मिलेंगे? डांसर को पीछे फेंक दे।
अबे क्या शूट कर रहा है तू? No touch, no kiss, no hug. Backup, master, मैं नहीं बैठ में आऊँ. वो कौन है रे backup बोलने वाला? Director मैं हूँ. Backup. I'll be back soon. Hey, come now. One minute. तेरे लिए वो बिल्कुल सही नहीं है. तू क्या बोल रहे है मुझे समझ आ रहा है, लेकिन सी मेरे पास पैसा है, फेम है, जिंदगी में जो चाहिए था मैंने खुद हासिल कर लिया. अभी मुझे चाहिए जो मेरी देखभाल कर सके, एक ट्रस्टेड पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे. सो ही इज ओके. इफ यू आर ओके देन आई एम ओके. ए सडनली मेरे दिमाग में एक सीन आ गया, मुझे लिखना है, तू निकल. आप लिखो ना, मैं एंजॉय करता हूँ. क्या एंजॉय करेगा? अगर तू रूम में रहेगा ना तो मेरे माइंड में रिफ्लेक्शन होगा. तू निकल, चल 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 निकल. रिफ्लेक्शन होगा मतलब? Alexa, what is the reflection? In physics, refraction is the redirection of a wave as it passes from one medium to another. सेवेंथ फ्लोर पे हो ना? हाँ जाओ. लिफ्ट से निकल के कॉरिडोर में वॉक करके आ रही हूँ. तुम्हारा डोर ओपन है ना? ओपन ही है, आ जाओ. प्यास बढ़ती रहे, इश्क होता रहे. सामने वाले रूम का डोर भी ओपन है और वो घूर रहा है. कौन है? मैं ऊपर आई हूँ, किसी ने देख लिया तो जल्दी कुछ करो वरना मैं अपने रूम में जा रही हूँ. वेट, मैं अभी चेक करता हूँ. हाय दिव्यंदु. डोर क्यों खोल रखा है? चूहा अंदर आ जाएगा, सेफ नहीं है, बंद कर लो. प्रॉब्लम क्या है? चूहे को दबोच देंगे, कोई और आया उसे भी दबोच देंगे. जो मिठारी है ना, ये कौन सा फ्लोर है? तुमने लिफ्ट में जो फ्लोर दबाया था ये वही फ्लोर है. I think I'm on the wrong floor. सपना मेरा डिंग डिंग टूट गया. फैंस हो क्या? सेल्फी चाहिए तुम्हें तो ले लो. मैडम आएगी ना, उनके साथ लेंगे. मैडम? कौन सी मैडम? यहाँ क्यों आएंगी? हाय हाय हाय. अब तुमको जो कहा वो नहीं सुना तो मैडम ऐसे ही ऊपर से नीचे घूमते रहेगी, रूम के अंदर नहीं आएगी. अगर तुमने बोला होता कि बाहर चला जा तो चला जाता. झूठ मूठ का रिफ्रेक्शन रिएक्शन बोल के मुझे गीली चड्डी में बाहर भेज दिया. रिफ्रेक्शन की डेफिनेशन को लेकर एलेक्सा भी बहुत कंफ्यूज्ड है. अच्छा सुनो, ये रिफ्रेक्शन का मैटर ब्लास्ट मोहन का पता है क्या? तू ब्लास्ट होगा. सुनो, इस बात को लीक होने से बचाना है तो आप उनके बॉस से मिल लो. बादशाह भाई जैसे लग रहे पलटे तो तुम पे गोलियों की बौछार हो रही. कैसे, अच्छे तो हो ना बालू? अच्छा हूँ सर. घर में सब ठीक है? कमर्शियल फिल्म के नाम पे आशिकी मत करना, पूरी फैमिली एक साथ आकर थिएटर में देखे ऐसी फिल्म बनाना. डे नाइट शूट मत करना, हेल्थ बिगड़ जाएगी, और हेल्थ बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा.
तुम दोनों प्यार करते हो ये ब्लास्ट मोहन जानता है क्या? नहीं जानता सर, नहीं जानता। ये बात ब्लास्ट मोहन को पता चली तो ओके है? ये बात तो मुझे ही ओके नहीं है। क्यों? इतने दिन मूवी मेरी लाइफ बोलने के बाद अगर अचानक से कामना मेरी वाइफ बोलेगी तो मुझे ही गुस्सा आ रहा है। सोचो ये बात उसे पता चली तो जिस खोपड़ी पे विग लगाता है वो नहीं बचेगी। अगर ये बात ब्लास्ट मोहन तक ना पहुंचे ऐसा चाहते हो तो अब से जो मैं बोलूंगा चुपचाप तुम वो करोगे बिना कोई सवाल किए। सर मैं कुछ कर पाओगे या नहीं? करूंगा सर, आप जो बोलोगे करूंगा। लाइट इफेक्ट बंद कर दो। जो मैंने बोला वैसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी और बढ़ जाएगी, नहीं तो चार कंधे चार आदमी। सर समझ गए ना? हाँ सर। बोलो वर्मा। ए, उधर सब क्या चल रहा है? नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो गाली देगा तू। क्या चल रहा है बोलना। डायरेक्टर बालू की नई स्टोरी को ब्लास्ट मोहन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये टेंशन चल रहा है। माचल क्या रहा है वो बता। ए, स्पाई करना मर्डर करने जितना इजी काम है क्या? अगर तू ऐसा बोला ना तो मैं खुद ब्लास्ट मोहन के सामने गर्दन काट के मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। माइंड योर टंग, दिमाग पंचर कर रहा है साला। तू उस पे क्यों चिल्ला रहा है? किसी और की गोदी में बैठ के देख, चुभेगा तब पता चलेगा। तेरी स्टोरी तो सही है लेकिन पिक्चर डेफिनेटली हिट होनी चाहिए। हिट की गारंटी तो मैं खुद देता हूँ। मैंने जो स्टोरी में लिखा कि वो क्राउन आदि नारायण टेम्पल के अंदर है, अगर टीम के साथ वहाँ जाकर मैंने उसे देख लिया तो नेचुरल शूट करूंगा, नेशनल अवार्ड कन्फर्म। राम प्रसाद बाबू, क्राउन देखने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? आपकी परमिशन काफी है, आप उस मंदिर के ट्रस्टी हैं। मेक अरेंजमेंट्स। जी बाबू। अच्छा तो आगे के ट्रैक में मैडम क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, मैडम आएगी तभी तो डायरेक्टर आएगा। नहीं नहीं, मैडम आएंगी तभी तो आप आओगे ना। ये तो गलती से गलत बात बोल रहे हैं। इसको कैसे पता? ये साथ में रहता है ना, देख लिया। देख लिया। कैसे हो जगदीश? मैं अच्छा। ब्लास्ट मोहन जी ने क्राउन देखने के लिए परमिशन लेटर भेजा है। ये है डायरेक्टर, ये उनके असिस्टेंट। ऐसा ही सेट बनाना है। बढ़िया है, मस्त है, मक्खन है, मलाई है। आप जो कर रहे हैं ना एकदम सही है। अपनी आंखों से देखा ना। अरे माल एकदम सही है वर्मा। माइंड ब्लोइंग, ये अलग लेवल है वर्मा। कबीर को दे। ओपन योर माउथ बेबी। वर्मा मैंने देखा, 40 साल से सिर्फ सुन रहा था, आज 4 फुट नजदीक से देखा। उसको देखने के बाद मेरे फुल बॉडी में झनझनाहट हो रही है। तू सिर्फ इतना कर, माल आने के बाद उसको संभालने का जिम्मा ले। मैं कल कॉल करता हूँ। जिसने पकड़वाया वो कौन है ये मैं जानना चाहता हूं। पिछले 10 मिनट से पूछ रहा हूं।
इससे ज्यादा स्वीटली मैं कैसे पूछूं? बोल, मेरे कंटेनर को किसने पकड़वाया? अगर वो बता दिया तो वो मुझे मार डालेंगे सर। अगर तू नहीं बताएगा तो क्या मैं तुझे डिनर पर ले जाऊंगा क्या रे मुन्ने? इसके मरने के बाद भी तू करीम का नाम ले रहा है, इसका मतलब ये करीम नहीं बोला होगा। सर, आपके कोई फ्रेंड आपसे मिलने आए हैं। अच्छी तरह मुंह धो के खाना खा के जा। मुझे बुला लेते सर, मैं खुद मिलने चला आता। काम मेरा था ना, इसलिए मैं चला आया। आइए बैठिए। आपने जो पूछा था वो सारी डिटेल्स मैंने कलेक्ट कर ली। एक्चुअली अब जिस क्राउन की बात कर रहे हैं उस क्राउन को उठाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत क्लोज विजिलेंस है उस पर। सपोज कोई अंदर चला भी गया तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल होगा। उससे अच्छा जिसने आपको क्राउन चुराने के लिए बोला है उसे टपकाना ज्यादा ईजी है। ये देखिए, अगर आप बोले तो इसे तीन डिफरेंट एंगल से शूट कर सकते हैं। नो 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 मैथ्यू, मैंने बताया ना मेरा बेटा इसके कब्जे में है। अगर ऐसा किया तो मेरे बेटे की जान जा सकती है। मैं ये होने नहीं दूंगा, चाहे कितना भी रिस्क हो, मुझे वो क्राउन हर हाल में चाहिए। समझ गया समझ गया। तो क्या इन लोगों को ठोकते हैं? ये मेरे साथ आए। आपने कह दिया वरना। एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज द वेस्टर्न बाथरूम? यस, थैंक यू। ठीक है, तो इसे अपनी रेडियस में रखते हैं, जरूरत हुई तो यूज कर लेंगे। एनीवे आपने जो बोला वो सब रेडी है, आइए दिखाता हूं। थैंक्स मैथ्यू। एनी टाइम फॉर यू सर। मैंने आज तक ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी है। यहाँ सेट क्यों लगा? बाहर लीक नहीं होना चाहिए, हॉलीवुड फिल्म का रेफरेंस है, आप देखोगे तो समझ जाओगे। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? बिना लेजर बीम लगे ये नाचते हुए कितनी आसानी से दूसरी तरफ चला गया, ये इंटरेस्टिंग है। नहीं, ये चाहे कैसे भी जाए लेजर बीम वाले इस पर लेजर नहीं मारेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे लेजर डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा है, वेरी रियलिस्टिक। आर्ट डायरेक्टर कौन है? एक्सेलेंट जॉब।
माय गिफ्ट एंजॉय पे स्पेसिफिकली मैंने जो जगह बताई वही शूट करना है। कमांड मिलने के बाद आपको सिर्फ 3 सेकंड्स मिलेंगे। ओके फर्स्ट टारगेट लेफ्ट शोल्डर, सेकंड टारगेट राइट नी, थर्ड टारगेट सेंटर ऑफ द आर्म्स, फोर्थ टारगेट स्टमक। अरे सुन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, होशियारी से। उस हौसले को देखा डर जो न जाने, जिगर है तो रास्ते में आ जा दीवाने। एक बात ये सुन शाने, हाथ बिजली के तार पे है, अरे बिजली का झटके पे तुझे झटका मिलेगा। एक बात ये सुन शाने, क्षेत्र मुक्त से है भूखा, मुझे कुत्ते का बिस्किट खिला के खुद शॉपिंग कर रहे। बाबू वो देखो क्राउन, जैसा उस वीडियो में देखा था उन लेजर बीम्स के ऊपर से कुत्ते फांते लहराते हुए वहां पहुंच के क्राउन चुराना है। बेचारा तेरे प्यार के चक्कर में वो मर जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड गुड गो। ट्रेजर वॉल्ट के सीसीटीवी फुटेज के साथ तुम्हें ये फुटेज भी ऐड करनी है। ये करना गलत है सर। 5 लाख्स सर, गलत काम करने से अगर किसी की भलाई होती है तो वो भी कर लेना चाहिए। लाइए। हेलो, इमरजेंसी है, लोकल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करो। वी आर फ्रॉम सीबीआई। डोनेशन वगैरह चाहिए? वो सब कुछ नहीं चाहिए, जो क्राउन चुराया वो चाहिए। गाउन? किसका गाउन? गाउन नहीं, क्राउन। वासु इनको जरा वीडियो दिखाओ। सर That is Blast Mohan, realistic performer. ये तो सिनेमा फुटेज है। ये राम प्रसाद, कौन है कैमरामैन? लाइटिंग ठीक से नहीं की, मेरे चेहरे पे अंधेरा है। हेलो, ये मंदिर का ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है। बात समझो, अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। मुझे अरेस्ट करोगे क्या? ए, प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा। PMO को इसकी इन्फॉर्मेशन है। इट्स अ रिलीजियस इश्यू, बहुत सेंसिटिव मैटर है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, इसका एक ही हल है। वहाँ जो क्राउन है वो ओरिजिनल है या नहीं ये देखने के लिए उसे पुनः ले जा रहे हैं। अगर ओरिजिनल हुआ तो बच जाएंगे, डुप्लीकेट हुआ तो आपकी जिंदगी सड़ जाएगी। हमारे चेक करके आने तक आप हाउस अरेस्ट में रहेंगे, हमसे पूछे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ए बाबू, डायरेक्टर कहाँ है? फरार हो गया बाबू, फोन स्विच ऑफ है। तू फरार क्यों नहीं हुआ? मैं भी फरार हो रहा था, मेरे बाहर निकलते ही इन लोगों ने पकड़ लिया। ले तो ये पकड़। धनराज, जो अंदर है वो ओरिजिनल सीबीआई है क्या? एक बार चेक तो कर ले। करेक्ट बोला, मैं अभी वही सोच रहा हूँ। बाहर तो आने दे, मैं चेक करता हूँ। गाड़ी खड़ा करो रे।
सीबीआई? शो मी योर आईडी कार्ड। क्या लिखा है पढ़ने यार? ए, सर इसको जरा अंदर ले। ओके सर। हेलो वर्मा, कन्फर्म सीबीआई है। लोकल पुलिस से भी ज्यादा दूर दी है। वो सब क्राउन के बारे में ही बात कर रहे थे, वो भी बंगाली में। आई थिंक क्राउन इज कमिंग आउट।
फोन उठा लिया है। तेरे आदमियों के साथ भेज रहा हूं। क्राउन हाथ में आते ही फौरन मेरे बेटे को छोड़ देना जैसा तूने वादा किया था। इस बीच अगर कोई चालाकी की तो आपने जो बोला सब मंजूर है, लेकिन पहले मेरा क्राउन तो भेजो। आपका बेटा आपके पास पहुंच जाएगा, वो भी 100% सेफ। ये वर्मा का प्रॉमिस है। Play is over. Relax. मैं क्या चोर हूं जो चोरी करूंगा? पुलिस वाला हूं। ये तो सही कहा। Is everything okay, sir? All well. Good job, Jaffer. Thank you, sir. It's a team effort. Thank you. Any time for you, sir. Boys! Sir, we are calling from CBI. Sorry for troubling you, sir. हमने क्राउन को टेस्ट किया तो वो ओरिजिनल ही निकला, और जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो वो शूटिंग फुटेज ही निकली। वी अपोलोजाइज। मैंने तुझे अपने लव के लिए मीडिएटर बनाया, तूने तेरे लव के लिए मुझे मीडिएटर बना दिया। लुच्चे, निकाल दे वो विग, निकाल दे, निकाल दे, जल्दी निकाल। खुद को टेंशन जाए क्या? अब मर। Go ahead. Oh, blind love. अभी तक मैंने तुझे जितने गिफ्ट दिए वो सिर्फ गिफ्ट थे, आज मैं तुझे ओरिजिनल गिफ्ट दे रहा हूँ। ले जा इसे। चलो चलो सब बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ए बाहर निकलो सब। ए उस टेबल को बीच में लगा के जा। बेटे देखिए जेलर की पावर, वो ऐसा वैसा नहीं है, पावर का पंप हाउस है। मैंने भी तो यही कहा था कि एक बार वो जो सोच लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि 50% मुझे दे दे, हम पार्टनर बन जाते हैं। ऐसा होता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। ये शानदार है, 4.5 साल की मेहनत के बाद ढूंढा था। तुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं, तेरे साथ बिजनेस करने के लिए। वो सब छोड़ के तूने मुझे किडनैप किया, बंधक बनाया, महीनों तक टॉर्चर किया, ना तुझे कुछ मिला ना मुझे। तुझे क्राउन मिल गया ये सोचकर खुश मत होना, क्योंकि मेरी हेल्प के बिना तू इसे कहीं नहीं ले जा सकता। मुझे क्यों चाहिए होगी तेरी हेल्प? मेरे पापा ने अगर तुझे कुछ दिया है
तो उसे वापस हासिल करने के लिए कोई प्लान जरूर बनाया होगा। तेरे जैसे नींद से निपटना जानते हैं मेरे पापा, लेकिन उनकी एक ही वीकनेस है और वो हूं मैं, और उनका मुझ पर विश्वास। उनके इस विश्वास को अगर यूज करके डाइवर्ट किया तो इस क्राउन का फायदा हम सबको मिल सकता है। ऐसा नहीं किया तो तुम सबको इस क्राउन के साथ यहीं गाड़ देंगे। इसलिए मुझे 50% का पार्टनर बनाने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या बोलता है, हो जाए 50-50? ओके है ना? पर माँ, ये सही बोल रहा है। तू उसको नहीं जानता, हमने उसे नजदीक से देखा है। ये जैसा बोल रहा है वैसा कर, 50-50 कर ले तो लंबे समय तक हम सबको फायदा होगा। पहले मैं पापा के पास जाकर उनको शांत करता हूँ और फिर उन्हें डाइवर्ट करूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस बीच कुछ भी हो सकता है, उन्हें शक भी हो सकता है। शक के बिना पर उन्होंने तुझे पकड़ा तो ये मत सोचना कि वो मेरा बाप है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं अलग टाइप का हूं, उन्हें ईमानदारी और इंसाफ पसंद है, और मुझे ऐश की जिंदगी, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। इसके बीच कोई भी आएगा, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं होगा। उसने अपनी पसंद की जिंदगी जी ली, अब जैसे मुझे पसंद है मैं वैसे जीना चाहता हूं। सब मिलकर मंदिर जाएंगे। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ हैं आप? हेलो, सोची भी नहीं थी। आप जैसे पापा मिले ये मेरी किस्मत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूं। मुझे माँ, रितु, श्वेता सबको देखने का मन कर रहा है। मुझे यहां क्यों बुलाया पापा? चलिए घर चलते हैं। चलेंगे चलेंगे, तुम थक गए होंगे, बैठकर बात करते हैं। तुम लोग जरा बाहर जाओ। ओके सर। तुम अभी बहुत बड़े और बुरे ग्रुप से बाहर आए हो, डेफिनेटली वो तुम्हें फॉलो करेंगे। अभी अगर सीधे घर जाएंगे तो घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने डीजीपी से बात कर ली है, कल हम दोनों जाकर पहले डीजीपी से मिलेंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ सब बता देना, वो लोग उस ग्रुप को ट्रेस करेंगे और पकड़ेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे, तभी हम सब सेफ रहेंगे। ठीक है बाबा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करके सुबह बात करता हूं। अर्जुन, हाँ, तुम पापा को कुछ बताना चाहते हो? मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया।
कबीर भाई। हाँ बोल। इधर। क्या हुआ? ले बात कर। हेलो। आपने जो क्राउन चेक करने के लिए भेजा वो ओरिजिनल नहीं है, फेक है, सारे टेस्ट में फेल हो गया। नहीं हो सकता, अच्छी तरह देख के लाए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल बनाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, इसे किसी भी जगह टेस्ट करने के लिए भेजो, सब जगह फेल होगा क्योंकि ये पूरी तरह से फेक है। अरे क्या बोल रहे हो, फेक हो ही नहीं सकता, हमने अच्छी तरह चेक कर लिया है। आप भी चेक कर लो, उसके बाद कॉल करना। केस में कौन कौन इन्वॉल्व है ये जानने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। इस प्रोसेस में कुछ भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी, वो भी ठीक है। इस केस में अगर आप भी इन्वॉल्व हो गए तो सबको ये लगेगा कि मैंने आपकी शैडो में रहकर ये केस सॉल्व किया। डिपार्टमेंट से जो क्रेडिट मुझे मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, इस ग्रुप के सभी लोगों को पकड़कर मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। तब तक अगर आप इस केस में इन्वॉल्व ना हो तो मेरे लिए अच्छा होगा, प्लीज पापा, मेरे लिए। ओके बेटा, इसे तुम अपने पास रखो। अर्जुन, पापा को कुछ बताना चाहते हो? आपको सब कुछ तो बता दिया। हेलो, मेरे पापा ने डिपार्टमेंट में फोन पे कोई बात नहीं, फोन टैप हो सकता है, जहां बोल रहा हूं आ जा। जरूरी दो बातें तुझे बताऊं। क्या? तेरे बाप ने जो क्राउन भेजा है ना वो फेक है। फेक है। फेक है, पता चलने के बाद तू क्या कर रहा था? सारे बाल उखाड़ रहा था। बिल्कुल वही कर रहा था, यही मेरी मिस्टेक है। अब दूसरी बात बता के तुझे शौक दूं क्या? उस क्राउन के सेंटर में एक ब्यूटीफुल पिंक कलर का डायमंड है ना, उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा है। कैमरा लगा है? इसका मतलब है इधर जो भी हुआ तेरे बाप ने देख लिया। बेटा शरीफ नहीं है ये, बाप को पता चल गया। अगर मेरे बाप ने मुझे यहां आने दिया तो वो भी यहां आ सकता है। पहले जाकर मेरी फैमिली को लॉक कर, वही ट्रम्प कार्ड है, तभी हम मेरे बाप से बच पाएंगे। वो पहले कर दिया रे, मैं फैमिली लॉक करने मेरे आदमी पहुंच चुके हैं, इधर जो भी एंटिक था सब बाहर भेज दिया, अभी सिर्फ बचा तू। डील ब्रेक किया,
फेक क्राउन देकर असली बेटे को लेके जाएगा, इसलिए तुझे ठोक के जेलर आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। मैंने बोला था ना, ले वो आ गए। कोई बाहर से दरवाजा ठोक रहा है। है क्या?
टाइगर का हुक्म। पापा को कुछ नहीं बताना। बच्चे बुराई पर चलना शुरू कर दें तो मां बाप की जिंदगी नरक बन जाती है। नहीं पापा, मैंने ये अपने लिए नहीं किया। आप, माँ, श्वेता, रितु सब मिलकर खुश रहे इसलिए ये सब किया है। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, अपनी गलती डिपार्टमेंट के सामने कबूल करके सरेंडर कर दो। सरेंडर? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे सरेंडर कर सकता हूँ? आपकी इज्जत का क्या होगा? डिपार्टमेंट मेरे बारे में क्या सोचेगा? माँ, रितु, श्वेता, उनके बारे में तो सोचिए। नहीं बाबा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। सरेंडर तो करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड आई लव यू सो मच। ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है। अगर हम दोनों में से कोई एक ना रहे तो ये बात यही खत्म हो जाएगी। सॉरी पापा।
उम्र के थे उनका दांत टूट गया था, तब से लेकर आज तक मैंने इसे पेंडेंट में संभाल कर रखा है।